हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टेबल को बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मेरा चैनल का नाम है राकेश कुमार शर्मा, मेरा भी नाम है राकेश कुमार शर्मा। मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल क्लास 9, 10, 11, 12 और गवर्नमेंट का एजुकेशन का बहुत सारा वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, मोटिवेशनल भी वीडियो मैंने डाल रखा है। आप मेरे चैनल में एक से एक वीडियो को, लेटेस्ट वीडियो को देखने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि नेटिव नोटिफिकेशन आए, और आप बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं, क्योंकि उसको दबाने से क्या होगा कि मेरे नए वीडियो भी आपके पास आते जाएंगे। क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चे बहुत ही सिंसियर होते हैं, एक्टिव होते हैं, चैनल के बारे में उनको बहुत सारी नॉलेज होती है। तो आपको मेरे चैनल को राकेश कुमार शर्मा को सर्च कीजिएगा, मेरा फेस आपको आएगा और आप उसको प्रमोट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को आप देखने का आनंद उठाइएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टेबल के बारे में। होता है क्या है, जैसे साइन, कॉस और टेन। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। आई बात समझ में, कुछ करना नहीं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। इतना कर लिया हम लोगों ने, यहाँ 0 डिग्री होगा, यहाँ 45 हो 30 डिग्री होगा, और यहाँ पे 45, यहाँ 60 और यहाँ पर अगला 90 डिग्री। ओके चलिए इतना कर लिया हमने। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, 30 का होता है 1/2, 145 का होता है 1/√2। ओके, इसका होता है 60 का √3/2, साइन के फॉर्म में बता रहा हूँ, और 90 का होता है 1। आई बात समझ में। कॉस में अब क्या करना है, इन्हीं वैल्यू को उल्टा कर देना है, जो 1 था यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, और इसी तरह क्लॉक को एंटी क्लॉक कर लोगे आप। तो 1 हो गया √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, ठीक है 0। टेन थीटा क्या होता है पता होगा आपको, टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो यानी टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू, जो 0 डिग्री का है या 30 का है या 45 का है या 60 या 90 या उससे ऊपर का भी, सबको क्या करना है, टेन के लिए निकालने के लिए इसके एंगल को जो भी निकालना है टेन जीरो का, तो साइन जीरो और कॉस जीरो का वैल्यू को आपस में डिवाइड करना होगा। अगर टेन 30 का भी निकालना होगा तो साइन के वैल्यू को और कॉस के वैल्यू को 30 डिग्री वाले को डिवाइड करना होगा, बस सिंपल, और टेन का हमको वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 0/1 करेंगे तो क्या आएगा अपन का, 0 आएगा। 1/2 और डिवाइड बाई √3/2 करोगे तो क्या आएगा, 1/√3 आएगा, ठीक है। उसी तरह 10/45 को 1/√2, 1/√2 डिवाइड करेंगे, 1/√2 फिर 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा अपन का 1, ठीक है। 10/60 का करेंगे तो क्या आएगा, √3/2, 1/2 कट जाएगा, क्या बचेगा ओनली √3। 1/0 का क्या होगा, अनंत, जिसको कहते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड हो गया। अब कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, दो साइन का वैल्यू का जो अपोजिट होता है, तो 0/1 था तो 1/0 करेंगे उलट जाएगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी, जिसको हमने फाइंड किया था, ठीक है। उसी तरह 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1, 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। 1/√2 था तो क्या आएगा, √2/1 यानी कि √2। ओके, √3/2 था 60 में तो क्या आएगा, 2√3 बटा में, ठीक है। 1 है तो 1 का अपोजिट ही 1 ही होता है, ठीक है। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का होता है, तो 1 का यहाँ भी 1 ही रह जाएगा। ओके, √3/2 है तो अपन को यहाँ पे 2/√3 करेंगे, 1/√2 है तो यहाँ पे √2 कर लेंगे, 1/2 है तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा। और 0 का उल्टा क्या होता है, 0/1 है, ठीक है, 0 है तो 0/1 लिखते हैं उसको, तो 0/1 का मतलब क्या होगा, 1/0, इसका मतलब क्या होगा, अनडिफाइंड। वही बात समझ में, कॉस के फेवर में मैंने बना लिया सेक का, उसका रेसिप्रोकल टर्म होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है। उसी प्रकार टेन का रेसिप्रोकल आपका क्या होगा, कॉट होगा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है जो वैल्यू आता है। यहाँ 0 है तो 0/1 का क्या होगा, 1/0 अपन का होगा, इसको इन्फिनिटी लिखेंगे,
टेन का यहाँ पे वैल्यू 1/√3 था, तो इसको √3 लिखोगे आप। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/ का उल्टा भी क्या होगा, अपोजिट 1 ही होगा उल्टा। √3 था 60 के लिए, तो क्या आएगा 1/√3, क्योंकि √3/1 हो गया, तो इसको उल्टा करेंगे 1/√3 होगा। और इन्फिनिटी को क्या लिखे थे, इन्फिनिटी का मतलब क्या था, 1/0, तो इसको उल्टा करेंगे तो 0/1 होगा, यानी कि ये 0 होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टेबल को सॉल्व कर लिया। आई बात समझ में? अगर मेरी वीडियो को इतनी स्पीड में मैंने नहीं बताया, बहुत ही सिंपली वे में बताया है, आप मेरे चैनल पे आइए और इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूला में इसको आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। आए दिन मेरे नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाने के बाद आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको बहुत सारे फॉर्मूला डेरिवेटिव जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बुक्स में बार बार खोजना पड़ता है, मिलते रहेंगे चैनल पे, और आपको बहुत आसानी हो जाएगा। नोट्स बुक भी बनाते रहिए और नोट्स में इसको टाइप कर लीजिए, रीड कर लीजिए, रीड रीडिंग कीजिए, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।